नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टू वेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो जैसे कि आप लोग को पता है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की फॉर्म फिलिंग की डेट जो आगे एक्सटेंड हुई थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आपकी करेक्शन विंडो अब क्लोज हो चुकी है। आशा करती हूँ आपने जो भी ज़रूरी आपके कुछ भी करेक्शन करना होगा वो कर लिया होगा, ठीक है। और हम लोग क्लास भी 2-3 दिन से नहीं हो पाई कुछ अर्जेंट चीज़ों की वजह से, ठीक है। लेकिन मैं आपको कुछ ना कुछ शेयर करती रहती थी। जो प्रीवियस की क्लासेस हैं हम लोग हो चुके हैं, प्रैक्टिस सेट हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसके एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक और आपकी पहले क्लास हो चुकी है, तो आज हम लोग कुछ नए एमसीक्यूज करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ये एमसीक्यूज थोड़े खुद से ही प्रिपेयर करके मैं लेके आई हूँ, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जैसे आपका एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है उसके लिए उसमें अलग से एक टॉपिक जो एजुकेशन करंट अफेयर का है वो, इसके बाद आपका DSSSB में एग्ज़ाम होता है वहाँ पे भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूछी जाती है, ठीक है। इसके बाद UGC NET जो अभी दिसंबर में एग्ज़ाम है उसमें भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से क्वेश्चन आते हैं, आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आते हैं, हायर एजुकेशन में भी आते हैं। इसके अलावा अदर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति देखने को मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 2017-18 में NISSO के 75वें घरेलू सर्वेक्षण के अनुसार 6 से 17 वर्ष की आयु के कितने स्कूली बच्चे स्कूल से बाहर थे। मतलब यहाँ पे एक रिपोर्ट होती है NSSO की तरफ से, उन्होंने सर्वे किया था जो 6 से 17 साल के बच्चे हैं, ठीक है। तो वहाँ से कितने बच्चे ड्रॉप आउट थे जो स्कूल नहीं जाते थे, ठीक है। तो ये जब ये सर्वेक्षण हुआ तो पाया गया कि कुल जो है 4.22 करोड़ बच्चे ड्रॉप आउट थे जो स्कूल नहीं जाते थे, ठीक है। तो क्योंकि ये चीज़ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पूछी गई है और वहाँ पे ये मेंशन भी किया गया है कि क्योंकि उसी के हिसाब से देखते हुए हम लोगों ने जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव हैं, जो भी सारे क्राइटेरिया हैं वो रखे गए हैं, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात जो PTR होता है आपका, ठीक है, जहाँ बड़ी संख्या में सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित छात्र हैं उस एरिया में कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार आपका छात्र शिक्षक अनुपात पूछा गया है जो कि मतलब 25 छात्र पे एक टीचर होना चाहिए, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आपकी NEP 2020 ने सभी Grade 1 के छात्रों के लिए स्कूल तैयारी मॉड्यूल, एक मॉड्यूल बनाया गया है स्कूल तैयारी, जिसको क्या बोलते हैं स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल, मतलब क्लास 1 में बच्चे कैसे जाएंगे का सुझाव दिया है। जो SPM की अवधि क्या होगी, इसकी अवधि यहाँ पे पूछी गई कि क्या रखी गई है, 3 महीने होनी चाहिए या फिर 2 महीने खेल आधारित या फिर 1 महीने या फिर 6 महीने। तो जब हम लोग इसको देखते हैं तो है कि ये 3 महीने की एक प्ले बेस्ड एक्टिविटी रखी गई है जो आपको क्लास 1 में प्रवेश के लिए कहेगी, जो आपको विद्या प्रवेश भी कहा जाता है, जो एजुकेशन करंट अफेयर के टॉपिक हम लोगों ने किए हैं उसमें ये चीज़ मैंने विद्या प्रवेश अलग से आपको करवाया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कक्षा के लिए NEP 2020 ने सभी के लिए स्कूल के लिए तैयार छात्रों को सुनिश्चित करने के लिए एक स्कूल तैयारी मॉड्यूल का सुझाव दिया है। तो किस क्लास के लिए, अभी हम लोगों ने पीछे ही देखा है, तो आपका किसके लिए दिया गया है, Grade 1 के लिए ये सुझाव दिया गया है कि क्लास 1 में बच्चे कैसे जाएंगे उसके लिए एक मॉड्यूल तैयार किया गया। क्या क्या जो बाल वाट का स्कूल है वहाँ पे कैसे चीज़ें करवाई जाएंगी, टीचर के अंडर में बच्चे रहेंगे, ठीक है। तो किसके लिए किया गया है, सीधा से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विद्या प्रवेश प्रोग्राम किसके लिए चलाया गया है, तो क्लास 1 के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार स्थापित करने की बात कही गई है। सरकार का नाम, मतलब सरकार ने इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या रखा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है गवर्नमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म जहाँ पे ऐसी व्यवस्था की गई है, जो FLN के जितने भी चीज़ें हैं, जो भी हाई क्वालिटी का कंटेंट है या फिर FLN से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, मॉड्यूल हैं, वो सब कौन से प्लेटफॉर्म पे रखे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये निष्ठा है, दिशा है, या फिर दीक्षा है, या फिर NCERT, तो ये सारे कहाँ पे रखे गए हैं। मैंने आपको दीक्षा अलग से भी करवाया है, आप अगर क्लास नहीं देखी है तो वहाँ पे देख सकते हैं, सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये प्लेटफॉर्म है दीक्षा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ग्रेड जो 6 to 8 के लिए सकल नामांकन अनुपात GER क्या है, मतलब क्लास 6 to 8 के लिए GER मतलब कितना एनरोलमेंट होना चाहिए, वो कितना रखा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 90.9% एनरोलमेंट रखा गया है, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो ग्रेड मतलब क्लास 9th से 10th तक के जो बच्चे हैं उनके लिए GER कितना रखा गया है, मतलब सकल नामांकन अनुपात वो कितना रखा गया है। 90.9 रखा गया है, 91.9 या फिर 90.9 या फिर 79.3, 79.9, तो ये कितना रखा गया है, ये रखा गया है 79.3%, ठीक है। तो ये आपको क्लास के हिसाब से याद रखने, 6 से 8 में कितना रखा गया है। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 ने प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर, ठीक है, तक 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जो प्री स्कूल से मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी तक जो आपका ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है वो किस ईयर तक पूरा किया जाएगा, 2025 तक, 2030 तक, या 2035 तक, या फिर 2040 तक। तो कब तक का रखा गया है, ये 2030 तक रखा गया है, कि जो प्राइमरी से सेकेंडरी का इनरोलमेंट है मतलब वहाँ पे 100% बच्चे कहीं भी हैं उनके लिए इस प्रकार से चीज़ें करवाई जाएँ कि वो 100% वहाँ पढ़ने के लिए जाएं, कब तक, 2030 तक ये पूरा 100% एनरोलमेंट हो जाए, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का समग्र विकास प्रदान करने के लिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसमें गलत विकल्प ज्ञात कीजिए, मतलब समग्र विकास का क्या मतलब होगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट जो छात्रों का होता है उसके लिए क्या मुख्य उद्देश्य रखेंगे। तो इसमें क्या पूछा गया है, आपको गलत सिलेक्ट करना है, कौन सा इसमें से गलत है, ठीक है। एक तो संज्ञानात्मक विकास और चरित्र निर्माण, इसका समग्र और सर्वांगीण निर्माण करना, या फिर 21वीं सदी के सभी कौशलों से सुसज्जित व्यक्ति, या फिर 100% रोजगार योग्यता वाले व्यक्ति, ठीक है। तो सबसे पहले कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग कैरेक्टर, मतलब बच्चों का जो मानसिक विकास है वो पूरी तरह हो, इसके बाद उनके कैरेक्टर का मतलब मॉरल वैल्यूज वगैरह उन्हें बताए जाए, कैसे स्कूल में जो टीचर्स के अलावा भी बहुत सारे कह सकते हैं स्टाफ मेंबर होता है उनसे कैसे बात करेंगे, ठीक है, ये सारी वैल्यूज उनमें बताई जाए जिससे कि उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट भी हो। इसके बाद क्रिएटिंग होलिस्टिक एंड वेल राउंडेड, होलिस्टिक डेवलपमेंट का क्या, जैसे 360 असेसमेंट का भी प्रावधान रखा गया है, उसके लिए आप परख एक योजना बनाई गई है, उसको भी मैंने करवाया है, आप उसको अलग से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके किया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसकी बात की गई है। इसके बाद 21वीं सदी की जो भी कौशल है, 21वीं सदी के कौशल क्या है, एक तो सबसे ज़्यादा है कि डिजिटल लिटरेसी, मतलब कि आपको ICT से जुड़ी हुई सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, उन सब की बात की गई है। चौथा है 100% रोजगार योग्यता वाले व्यक्ति, मतलब कि 100% एम्प्लॉय दिया जाना चाहिए। तो जो इसमें बात नहीं है वो है आपकी डी ऑप्शन, यहाँ पे जो 100% रोजगार की बात की गई वो बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नहीं की गई है, बाकी जो और 3 ऑप्शन है वो उनकी बात की गई है, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति या 2020 है, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने आवश्यक शिक्षण और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यक्रम सामग्री को कम करने की सिफारिश की है। पाठ्यचर्या की सामग्री निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगी। 4 प्रमुख मुद्दों में से गलत विकल्प पे निशान लगाएं, मतलब इसमें से जो गलत है उसको आपको बताना है, ठीक है।
तो आप जब प्रश्न पढ़ेंगे एग्जाम में भी तो ये देख ले कि सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है, क्योंकि इससे भी काफी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है कि प्रमुख अवधारणाओं पे ध्यान दें, मतलब कोई भी टॉपिक है उसके की कॉन्सेप्ट जो मेन चीज है उसको समझाया जाए, प्रमुख विचारों पे ध्यान दिया जाए, मतलब आइडियाज बच्चों के लिए जाए, टीचर्स भी अपने आइडियाज है, मतलब मिलजुल के सारे आइडियाज जो भी बेस्ट है उनको निकाल के लाया जाए। ठीक है, मुख्य समस्या समाधान पर ध्यान दें, जो भी प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जाए, उससे उस पर ध्यान दिया जाएगा, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा उसके आइडियाज तभी निकल के आएंगे। ठीक है, इसके बाद एक कुंजी रटने याद करने पर ध्यान दिया जाए, कि मतलब जो भी बुक में है वो रट लो, उसके बाद तो सीधा सा आपको समझ में आ रहा होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किसकी बात नहीं की गई है। तो जो आपका डी ऑप्शन है यहाँ पे, कि रूट मेमोराइजेशन की बात नहीं की गई है। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सभी चरणों में अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, मतलब जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है उसको जितने भी स्टेज है आपके, प्राइमरी है, मिडिल है, सीनियर सेकेंडरी है, ठीक है, उनमें किस किस लर्निंग पे ध्यान देने की आवश्यकता है, एक्सपीरियंशियल जो लर्निंग है उस पे ध्यान देने की आवश्यकता है, इसे निम्नलिखित शिक्षा शास्त्र सहित अपनाया जाएगा, इसमें से भी आपको गलत विकल्प बताना है कि कौन सा उसमें नहीं रखा गया है। ठीक है, एक तो रखा है आपका हाथ से सीखना, मतलब कुछ वोकेशनल टाइप की बात की गई है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का क्या मतलब है, जो बच्चे बचपन से अपने आसपास देख रहे हैं, पड़ोस में देख रहे हैं, अपने मम्मी पापा करते हुए देख रहे हैं, ठीक है, या बच्चे जिनको बहुत सारे उनके रोल मॉडल भी होते हैं, घर में भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, उनको कुछ करते हुए देख रहे हैं, तो उस लर्निंग को क्लासरूम में यूज किया जाए। ठीक है, कहानी कहने पर आधारित शिक्षा शास्त्र, इसके बाद है कि शास्त्र आधारित शिक्षा शास्त्र, इसके बाद खेल और कला एकीकृत शिक्षण, तो इसमें से कौन सा नहीं होगा, सी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। जो आपका सी ऑप्शन है कि शास्त्र आधारित शिक्षा शास्त्र, मतलब स्क्रिप्चर, अब बच्चे हैं तो उनको वो सारी चीज़ें नहीं सिखा सकते हैं, उस पर एक्सपीरियंस लर्निंग का कोई इतना वो चीज़ बढ़ावा नहीं दे सकती है, जैसे कि हाथ से सीखना सिखा सकते हैं, स्टोरी टेलिंग उनको बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तो यहाँ पे आपका जो तीन ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देते हुए सीखने के परिणामों की उपलब्धि में अंतर को कम करने के लिए सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण से एक सुझाव दिया है, इस शैक्षणिक दृष्टिकोण का नाम क्या है। अब एक्सपीरियंशियल लर्निंग को भी कैसे उस पर काम किया जाएगा, उसके लिए एक अलग से ही नाम उसको दिया गया है, उसका नाम क्या है, साक्षरता आधारित शिक्षा, मतलब लिटरेसी बेस्ड एजुकेशन है, या फिर योग्यता आधारित शिक्षा, ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है, इसके संख्यात्मक आधारित शिक्षा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस के द्वारा हम लोग सीखते हैं उसको क्या बोला गया है, उसको बोला जाता है बी, जो आपकी यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग है, आप लोग बी ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग क्या होती है, कॉम्पिटेंसी मतलब ये होता है जो अपनी एक्सपीरियंस से चीज़ें हम लोग सीखते हैं, अपनी खुद की नई नॉलेज क्रिएट करते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस्ड पे, तो उसको ही योग्यता आधारित शिक्षा बोलते हैं, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे इस चीज़ पे काफ़ी ध्यान दिया गया है। तो जैसे कि आपने अगर वो वीडियो देखा होगा, मैंने KVS के इंटरव्यू के थोड़े से पॉइंट बताए थे, तो आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं टीचर, KVS इंटरव्यू में आपके पूछे भी जाएंगे, तो जो लोग सिलेक्ट हुए हैं वो लोग इन सब चीज़ों पे ध्यान दें, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे इन सब के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देते हुए सीखने के परिणामों की उपलब्धि में अंतर को कम करने के लिए सर्वोत्तम शिक्षण विधि, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है यहाँ पे, अच्छा इसकी हिंदी रिपीट हो गई है, सॉरी, ये मैं आपको PDF दूंगी उसमें सही हो जाएगा। यहाँ पे पढ़ लेते हैं, एट वॉट स्टेज इन स्कूल एजुकेशन इस स्टूडेंट विल बी गिवन इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी इन कोर्स चॉइसेस ऑफ सब्जेक्ट टू स्टडी, यहाँ पे पूछा गया है
कौन सी स्टेज पे बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी होगी अपने अनुसार अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये चीज़ बहुत अच्छी कर दी गई है कि बच्चा है, जैसे पहले होता था कि आर्ट लेना है, साइंस लेना है, अगर आपको साइंस और आर्ट में से कोई सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं तो आपको एक छोड़ना पड़ेगा, तो अब इस चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी कर दी गई है कोर्स सिलेक्ट करने में, आप कोई भी सब्जेक्ट जो आप बच्चे को अच्छा लगता है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ किसमें की गई है आपकी, तो ये आपकी की गई है जो सी ऑप्शन है वो हो जाएगा, क्योंकि पहले तो जो चीज़ें वो सारी हैं आपके कोर्स जो सिलेक्ट करने की बात होती है वो सेकेंडरी क्लासेस में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि आप अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार छात्रों को माध्यमिक स्तर पर अध्ययन के लिए विषयों के पाठ्यक्रम विकल्पों में अधिक लचीलापन दिया जाएगा, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, मतलब अपने पाठ्यक्रम के अनुसार उनको सारी चीज़ें दी जाएंगी, तो सही विकल्प आपको देखना है कि कौन सा है। पाठ्यक्रम पाठ्येतर या फिर सह पाठ्यक्रम के बीच कोई कठोर अलगाव नहीं होगा, तो ये बात सही है कि जो भी चीज़ें हैं उसमें कोई अलगाव नहीं होगा कि आपको साइंस स्ट्रीम लेनी है, आर्ट स्ट्रीम लेनी है, जो भी आपका मन करे वो ले सकते हैं। कला मानविकी और विज्ञान के बीच कोई कठोर अलगाव नहीं होगा, मतलब आप वही देखो अभी मैंने बताया कि आर्ट आर्ट के सब्जेक्ट लेने हैं, ह्यूमैनिटीज के लेने हैं या फिर साइंस के लेने हैं, तो उस पर भी कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद व्यावसायिक या शैक्षणिक धाराओं के बीच कोई कठिन अलगाव नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें से विकल्प डी ऑप्शन आपका दिया है, ए बी सही है, मतलब डी गलत है, इसका ई में दिया गया है, ए बी सी कथन सही है, तो आपका यहाँ पे ई वाला सही हो जाएगा, क्योंकि सारे में ही कोई बाउंडेशन नहीं रखा गया है, आप कुछ भी अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के मुताबिक कला मानविकी और विज्ञान स्ट्रीम में किसी एक को चुनने का सख्त नियम होगा, मतलब ये चीज़ अभी ऊपर वाले पॉइंट से भी आपको क्लियर हो गई होगी, तो ये कथन सही दिया गया है, गलत दिया गया, आंशिक रूप से सही है या फिर अत्यधिक नैतिक वक्तव्य है। ठीक है, तो ये पूरी तरह गलत है, ये चीज़ आपको पता है, ऐसा कोई कठोर रूल नहीं है कि आपको साइंस लेनी है या फिर आर्ट ही लेनी है या आपको अपने मन का कोई सब्जेक्ट छोड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किसी कक्षा तक शिक्षा का माध्यम घरेलू भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा होगा, मतलब किस कक्षा तक बच्चा अपनी जो लोकल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है या फिर मदर टंग है उसमें ही सीख सकता है, तो कम से कम 3 ग्रेड तक और अधिकतम कितना, मतलब क्लास 3 से 5th तक या फिर क्लास 2 से 5th तक या फिर क्लास 5 से 8 तक या फिर क्लास 6 से 8 तक, तो ये चीज़ किस में रखी गई है, अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लास 5th से 8th तक ये चीज़ रखी गई है कि बच्चा अपनी ही भाषा में सब सारी चीज़ें पढ़ और सीख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार घरेलू भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण को अपनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, अब इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो दोनों राज्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा और शिक्षण के माध्यम के बीच अंतर को पाटना, पाटना मतलब अंतर जो गैप है उसके बीच में उसको हटाना, या फिर उत्तर और दक्षिण भारतीय लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के बीच अंतर को पाटे, धर्म ग्रंथों में लिखी जो भाषाएं हैं और बच्चों द्वारा बोली जाने भाषा के बीच के अंतर को पाटना, बच्चे द्वारा बोली जाने वाली भाषा और शिक्षण के माध्यम के बीच, तो यहाँ पे आपको डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चे बोलते हैं उसी माध्यम में उनको पढ़ाया जाए तो वो चीज़ें अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भारत में अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 भाषा नीति के अनुसार स्कूल शिक्षण सीखने की प्रक्रिया से द्विभाषी दृष्टिकोण को पूरी तरह हटा दिया गया है, बिल्कुल सही है, पूरी तरह गलत है, आंशिक रूप से सही है, फिर आंशिक रूप से गलत है, तो ये चीज़
आपको पता चल रही होगी कि ये पूरी तरह ही आपकी गलत है। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि जो बायलिंगुअल अप्रोच विल बी कम्प्लीटली रिमूव फ्रॉम, ठीक है, मतलब कि बच्चे एक ही भाषा में सीखेंगे ऐसा कुछ नहीं, वो पूरी तरह हटा दिया गया है। तो बच्चे के लिए कोई एक एक भाषा नहीं है, वो किसी भी भाषा में सीख सकते हैं। ठीक है, सरकार ने लगभग कितने वर्षों बाद कई सुधार लाते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अनावरण किया है? तो 32 वर्ष, 39 वर्ष, या फिर 34 वर्ष, या फिर 36 वर्ष। तो ये सब कितने साल के बाद हुआ है? 34 साल के बाद ये चीज हुई है, क्योंकि उससे पहले आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 थी, इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई, और उसके बाद फिर जो आपकी 1992 की आई थी वो 1986 का ही कुछ कह सकते हैं एक्शन प्लान किए गए थे उसके रूप में आई थी बाकी। लेकिन आपकी दो ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, ये आपकी तीसरी है। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये वाली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम किस भाषा को प्रस्तावित किया गया है? अंग्रेजी किया गया है, हिंदी किया गया है, या फिर मातृभाषा, या क्षेत्रीय भाषा, या फिर संस्कृत। तो ये आपको पता ही अच्छे से चल गया होगा अब तक तो, कि अपनी मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में बच्चा कुछ भी सीख सकता है, उसके ऊपर कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं रहेगा कि इंग्लिश में सीखना है, हिंदी में सीखना है, या फिर मतलब कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है, जो उसको आता है उसी भाषा में उसको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्नातक डिग्री के लिए अनुशंसित अवधि कितनी है? मतलब स्नातक कितने वर्ष का रख दिया गया है? 1 वर्ष का है, 2 साल का, या फिर 3 वर्ष का, या फिर 4 वर्ष का? तो जो स्नातक है वो आपका 4 साल का कर दिया गया है। ठीक है, उसमें भी स्नातक में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको जैसे पता हो अगर आप 1 साल का करते हैं, ठीक है, तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। इसके बाद है कि अगर आपका 2 साल का है तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इस प्रकार से सारी चीज़ें की गई हैं। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अलग से मैंने क्लास करवाई है, वहाँ पे काफ़ी डिटेल में बताया है, तो आप लोग वो क्लास जरूर देख लें। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से भी उसको देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा के साथ एकीकृत करने पर जोर देता है। नीति के अनुसार व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए समूह क्या है? व्यावसायिक शिक्षा को भी काफी इंपॉर्टेंस दी है, तो मुख्य धारा में जोड़ने के लिए किस वर्ष के बच्चों को उस पर लागू करने की बात की है, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि किस क्लास से वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगी? तो 11 से 14 वर्ष, 14 से 18 वर्ष, या फिर 18 से 22 वर्ष, या फिर 22 से 25 वर्ष। तो ये कब से होगी आपकी? 11 से 14 वर्ष, क्योंकि क्लास 5th के बाद से, मतलब क्लास 6 से आपकी वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी आंसर हो जाएगा 11 से 14 वर्ष। जो 5+3+3 का पूरा कॉन्सेप्ट है, उसमें एज का भी कॉन्सेप्ट है, वो भी आपको पता होने चाहिए। तो आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति की क्लास जरूर देख लें, कि वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें अच्छे से करवाई हुई हैं, तो आपको अब बहुत आसान सी शब्दों में करवाया हुआ है। ज़्यादातर बच्चों ने देख ली वीडियो, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है वो लोग देख सकते हैं। ठीक है,